आज पत्रकार, छायाकार, मीडिया, आज पूरा सिरसा का यहाँ है बाबा तारा कुटिया में। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आज बाबा तारा कुटिया में आज बाबा जी की कवरेज करने आप यहाँ आए हैं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आज गुरु पूर्णिमा की मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाबा तारा जी का जन्म आप सभी को पता है कि शिवरात्रि फागन का है, सावन की शिवरात्रि को ब्रह्मलीन हुए हैं। दोनों शिवरात्रियों पर विशाल मेला लगता है बाबा तारा जी की कुटिया में। लाखों भक्त यहाँ आकर बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और बाबा जी उनके दुख सुख की बात सुनते हैं और यहाँ पर बहुत आशीर्वाद भोलेनाथ का मिलता है। और यहाँ बाबा जी की कुटिया में लोग गुफा में, बाबा जी के शिवालय में, बाबा जी के पंडाल में, भव्य लोग फुहारे में, यहाँ लोग अपना एक आनंद, अलग से आनंद जो यहाँ मिलता है उसको महसूस करते हैं दोनों शिवरात्रि पर। देखिए अब की बार 29 जुलाई 30 जुलाई 31 जुलाई को जय किशोरी जी यहाँ कर अपने मुखारबिन से नानी बाई का मायरा करेंगे। 1 तारीख को भजन सम्राट हंसराज जी रघुवंशी यहाँ आकर भजन संध्या करेंगे। 2 तारीख को सुबह 6 बजे हवन होगा और हवन के बाद अटूट भंडारा लगता है, वो बाबा जी की इच्छा से लगता है। समय तो कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन यहाँ लाखों लोग उस दिन शिवरात्रि के दिन आकर बाबा जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। देखिए वो एक व्यवस्था कुटिया से लगी हुई है कि सिरसा के हर वार्ड में, हर चौराहे पर एक यहाँ से बाबा जी की सेवा लगती है और लोग उसमें बैठकर आकर बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं।